वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम देखने वाले हैं टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मूवी की शुरुआत में हम एक ट्विन इंजन प्लेन में एक लड़के और दो लड़कियों को अंटार्कटिका जाते हुए देखते हैं, जिसमें से लड़के का नाम है फू और लड़कियों का नाम है जिंग और नताशा। यहाँ फू जिंग और नताशा से बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और यही वजह है कि मैंने एक कंपनी शुरू की जिसके जरिए मैं अंटार्कटिका में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ हमारी कंपनी ऑफर करेगी और फिर मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। यहाँ फू की बातों से हमें पता चलता है कि उसे सिर्फ पैसों से प्यार है और साथ ही वो काफी ज्यादा बातूनी भी है, लेकिन जिंग का स्वभाव उससे एकदम विपरीत होता है। दरअसल जिंग एक साइंस फोटोग्राफर होती है जो अंटार्कटिका में अपने किसी प्रोजेक्ट के कारण ही जा रही है। इनके साथ यहाँ नताशा नाम की एक रशियन रिसर्चर भी होती है। कुछ दूर जाने पर इनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है जिसमें सबसे पहले पायलट मारा जाता है और फिर प्लेन बुरी तरह से क्रैश होकर नीचे गिर जाता है, जिसमें फू चुन और नताशा तीनों ही मौजूद हैं। और प्लेन के क्रैश होने के कुछ देर बाद ही फू को होश आता है और वो तुरंत उठकर क्रैश प्लेन के अंदर जाकर देखता है तो उसमें नताशा घायल होती है, जिसे निकालकर फू बाहर लेके आता है। इसके बाद फिर वो दोबारा से जाकर देखता है तो उसमें जिंग भी फंसी हुई है क्योंकि उसका पैर बड़े लोहे के नीचे दबा हुआ है। अब जैसे ही फू उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो प्लेन अपने वजन के कारण बर्फ में धंसने लगती है और फिर फू अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है, मगर फिर उसे जिंग के बारे में बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत जल्दी से प्लेन के अंदर जाकर जिंग को किसी तरह बाहर निकाल ही लेता है। उनके बाहर निकलते ही वो पूरा प्लेन बर्फ के नीचे पानी में चला जाता है। इसके साथ फू को पता चलता है कि नताशा की जान भी जा चुकी है और फिर जिंग के कहने पर फू उसे और नताशा की बॉडी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि जिंग का पैर भी टूट चुका है। उसी दौरान उन्हें एक एवलांच अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख जिंग फू से गड्ढा खोदने के लिए बोलती है जो वो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से खोद देता है और फिर जिंग और फू उसके अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से इन्हें नताशा की बॉडी को वहीं छोड़ना पड़ता है। और एवलांच के गुजरने के बाद दोनों बाहर आते हैं और यहाँ फू डिसाइड करता है कि वो नताशा को यहीं बर्फ में दफना देंगे। इस दौरान फू नताशा की टोपी लेकर खुद पहन लेता है और ये लोग उसे आखिरी विदा लेते हैं, लेकिन जिंग अभी भी चल नहीं पा रही होती है, इस वजह से फू को उसे उठा के ले जाना पड़ता है, जिस दौरान दोनों कई बार गिरते हैं और इसी के कारण जिंग वहीं बेहोश हो जाती है। जिसे जब होश आता है तो वो खुद को एक कॉटेज में पाती है, मतलब कि फू उसको किसी तरह यहाँ पर लेके आ गया है। जिंग होश में आने के बाद कहती है कि तुम्हें मेरे पैर को सीधा करना होगा क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रही तो कुछ ही दिनों में मेरी मौत हो जाएगी। यहाँ फू काफी डरते हुए उसके पैर को ठीक करता है, जिससे जिंग को थोड़ा आराम तो मिलता है, मगर अब भी वो अपने पैरों को हिला नहीं सकती है। इसलिए फू कॉटेज के बाहर जाकर देखता है तो उसको वहाँ पर एक जनरेटर मिलता है जिसको वो तुरंत चालू करता है। अब उसके कारण वहाँ पर लाइट्स आती हैं और उससे हीटर वगैरह भी ऑन हो जाते हैं। अब और अंदर जाने पर उसे वहाँ पर ढेर सारा पैकेज्ड फूड मिलता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखकर जिंग अंदाजा लगा लेती है कि कुछ साल पहले यहाँ पर चाइनीज रिसर्चर आकर ठहरे हुए थे, जिसका साफ मतलब होता है कि ऑरोरा स्टेशन इस जगह से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है इसका उन दोनों को अंदाजा नहीं होता। इस पर फू जिंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं रोज जाकर अलग अलग डायरेक्शन में उस स्टेशन को ढूंढने की कोशिश करूंगा और इस तरह हम यहाँ से जल्द ही निकल पाएंगे। जिंग कहती है कि यह सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जनरेटर में डीजल भी लिमिटेड है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और क्योंकि अभी अंटार्कटिका में पोलर डेज है तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसके कुछ दिनों के बाद पोलर नाइट्स का वक्त आ जाएगा जिस दौरान जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल होगा और हम ठंड से मर भी सकते हैं। जिंग और फू मिलकर कैलकुलेशन करते हैं, जिससे ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि अगर हमने रोज सिर्फ 4 घंटे जनरेटर को चलाया तो भी हम 75 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए 75 दिनों के अंदर उन्हें कुछ भी करके वो स्टेशन ढूंढना होगा। और अब जब से क्रैश हुआ है तब से 3 दिन का टाइम बीत चुका है, इसलिए अब फू को चौथे दिन अपनी खोज शुरू करनी होगी। अगले दिन सुबह होते ही फू जिंग को खाना वगैरह देने के बाद नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसको अकेले 3 दिन तक कुछ भी नहीं मिलता। बेचारा फू रोज सुबह निकलता है और शाम होते ही वापस आ जाता है क्योंकि जिंग का पैर काम नहीं कर रहा होता है। अगर फू वापस नहीं आता तो जिंग तो बिना खाए पे ही मर जाएगी। जिंग कहती है कि तुम बर्फ में करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकते हो, इस तरह से चलने पर तुम्हें रोज करीब 10 घंटे चलना होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराता है। और इस तरह से फू को 17 दिन बीत जाते हैं और स्टेशन कहीं नहीं मिलता। साथ ही अब इन्हें खाने की कमी ना हो इसलिए फू एक दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, जिस दौरान अचानक से उसके नीचे की बर्फ टूटने लगती है और फू उसी के अंदर गिर जाता है। यहाँ गिरने की वजह से वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, इसलिए जब उसे होश आता है तो वो खुद को इस अजीब सी जगह में देखकर काफी डर जाता है। फू काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वो बाहर निकल पाए, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता और यहाँ फंसे हुए उसको अब 2 दिन का समय बीत गया है। दरअसल फू अब यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद पूरी तरह खो चुका है, लेकिन इसी बीच फू को जिंग का ख्याल आता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे खुद के लिए नहीं बल्कि जिंग के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो दोबारा से हिम्मत करके इस बार पतली पतली चट्टानों से होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है,
तो वहीं दूसरी ओर जिंग दो दिनों से फूक की राह देख रही है, मगर जब ठंड हद से ज्यादा हो जाती है तो मजबूर होकर उसे जनरेटर चालू करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। अब वो बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए जनरेटर के पास आ ही जाती है, लेकिन चाह कर भी उसको चालू नहीं कर पाती। यहाँ जिंगा पूरी तरह हार मान लेती है और फिर वो मजबूरन अपने हाथ की नस काट लेती है। इधर दिखाते हैं तो फूक किसी तरह से उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है और निकलते ही वो भागते हुए जिंग को ढूंढता हुआ घर पहुंचता है, जो उसे वहां तो नहीं मिलती। लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वहां जिंग बेहोश पड़ी हुई है, मतलब कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है। इसके बाद जब जिंग को होश आता है तो वो खुद को अंदर पाती है और जैसे वो फू को देखती है तो काफी खुश होती है। फू उसे फिशेस का सूप देता है जो उसने बर्फ के अंदर गिरने से पहले पकड़ी थी। वो जिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुम अपना हौसला कभी मत खोना और आगे ऐसी हरकत कभी मत करना। यहाँ अब जिंग को धीरे धीरे फू पसंद आने लग जाता है और फू फिर रोज की तरह स्टेशन को ढूंढने के लिए निकलता रहता है। और इस तरह 34 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया है। ऐसे ही एक दिन फू जब घर से निकलता है तो वहाँ अचानक से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। अब इससे वो काफी घबरा जाता है कि हुआ क्या है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर फिर भी किसी तरह से गिरते पड़ते वो वापस कॉटेज की तरफ आता है, जिस दौरान वो दूर से ही जिंग को आवाज दे रहा होता है। आवाज को सुनकर जिंग भी बाहर चली आती है और फिर उसकी मदद से फू जिंग तक पहुंच जाता है। फू काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। यहाँ जिंग उसे बताती है कि यहाँ चारों तरफ बर्फ होने की वजह से 95% तक सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और क्योंकि तुम इस रिफ्लेक्शन को अपनी नंगी आंखों से रोज देख रहे हो तो ये तो होना ही था, क्योंकि इस रिफ्लेक्शन को देखना ऐसा है जैसे कि तुम सीधे सूरज को देख रहे हो। जिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। और अब इस बार फू की देखभाल करने की बारी है जिंग की। दोनों मिलकर सारे काम वगैरह साथ में करते हैं और इसके बाद फू सही हो जाता है। इस बार जिंग उसे आंखों पर एक कपड़ा बांधने के लिए देती है ताकि उसकी आंखों को ज्यादा नुकसान ना हो, मगर फू के लिए चीजें और भी ज्यादा खराब होने वाली थी क्योंकि जैसे ही वो कुछ दूर पड़ जाता है वहाँ की बर्फ पतली होकर चटकना चालू हो जाती है और बेचारा फू बर्फ के अंदर पानी में गिर जाता है, जहाँ से उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो डूबने वाला होता है कि तभी वो कुछ पेंगुइन्स को एक जगह से बाहर निकलते हुए देखता है और इन पेंगुइन्स के साथ वो भी बाहर आ जाता है, लेकिन उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं और इस वजह से फू को बहुत ठंड भी लगती है। फिर वो जल्दी से वापस घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसका ये रास्ता उस वक्त और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उसे एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। पर वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ आखिर वापस आ ही जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से जम चुका है जिस वजह से जिंग के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिंग देखती है कि उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है और अगर कुछ नहीं किया गया तो फू पक्का मर जाएगा, इसलिए जिंग उसकी बॉडी को हीट देने का फैसला करती है। अब अगली सुबह देखते हैं तो फू की नींद खुलती है तो जिंग को अपने बगल में लेटा हुआ देखकर वो काफी खुश होता है। कुछ देर बाद फू नताशा की बॉडी से उसके शूज लेकर आता है क्योंकि फू के शूज पानी में गिर गए थे। अगले दिन जब फू और जिंग बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें दरवाजे पर अजीब सी आवाज आती है और जब फू दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे वहां पर एक छोटी सी पेंगुइन दिखती है जो उनके घर के अंदर आ जाती है। इस पेंगुइन को देखकर फू उसे मारकर खाना चाहता है, लेकिन जिंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे वो पेंगुइन बहुत प्यारी लग रही है और पसंद भी आ गई है। साथ ही जैसे जैसे समय बीतता है फू और जिंग दूसरे के करीब आते जाते हैं। जिंग पहले फू से चिढ़ती थी लेकिन अब उसकी कंपनी को एंजॉय करती है। फू उसको एक स्लेज पर बैठाकर काफी दूर तक घुमाता है। फिर एक दिन अचानक जिंग की नाक से खून आने लग जाता है, जिसे देखकर फू पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। जवाब में जिंग बताती है कि मुझे ये विटामिन सी की कमी की वजह से हो रहा है, दरअसल मुझे हरी सब्जियां खाने की जरूरत है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले मेरे दांत टूटेंगे, फिर नाखून और सिचुएशन फिर और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आगे वो कहती है कि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम बस किसी तरह से खुद की जान बचाओ। अब इस पर फू जिंग को अपने सामने बैठाकर बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी लाइफ बहुत जरूरी है। जिंग भी फू के इस प्रपोजल से काफी खुश होती है, लेकिन उसे मन ही मन में डर है कि कहीं मैं यहीं मर न जाऊं। अगले दिन फू निकलने वाला होता है तो जिंग उससे कहती है, बार बार लौटने से तो अच्छा है कि तुम स्टेशन को ढूंढना जारी रखो, मेरे कारण तुम वापस मत आया करो। लेकिन फू उसकी एक नहीं सुनता और हर दिन वापस आता रहता है। इसके बाद एक दिन जब वो जाता है तो उसको अरोरा स्टेशन मिल ही जाता है, जहाँ पहुंचकर वो कुछ लोगों को लेकर जिंग को लेने वापस आता है। ये लोग उस घर तक पहुंचते ही कि तभी वहां पर एक और एवलांच आ जाता है और उसको देखते ये लोग गाड़ी घुमा देते हैं। ये एवलांच इतना शक्तिशाली होता है कि उसके पूरे कॉटेज को तबाह कर देता है। फू जिंग के लिए बहुत ज्यादा तड़पता है। वो जब उसी स्टेशन में होता है तो वहां उसे अपने सामान में जिंग की डायरी मिलती है, जिसको देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। और यहाँ फू के दिमाग को न जाने क्या सोचता है, वो स्नो बाइक लेकर जिंग को ढूंढने निकल पड़ता है।
वो सबसे पहले उस जगह जाकर देखता है जहाँ वो जिंग के साथ बातें करता था, और लकीली उससे वहाँ जिंग मिल भी जाती है, जिसको देखकर फू काफी खुश होता है। जिंग इसीलिए बची क्योंकि उसको पता था कि एब्रांच से कैसे बचा जाता है। और उसी वक्त हम आसमान में अरोरा लाइट्स को देखते हैं, जिसको देखकर जिंग और फू काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जिंग इस अरोरा लाइट्स को देखना चाहती थी। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।